एक भी ब्राह्मण को राजस्थान में टिकट नहीं दिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद में राजस्थान में ब्राह्मणों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से किया है, 25 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, एक भी ब्राह्मण को आपने इस योग्य नहीं माना कि उसको उम्मीदवार बनाया जाए, तो ये राजस्थान के 1 करोड़ ब्राह्मणों का अपमान है। राजस्थान के ब्राह्मण स्वाभिमानी हैं, कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि समाज के लिए वो आगे बढ़ के काम करेंगे। मैं राजस्थान के ब्राह्मणों से अपील करने के लिए पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा और लोगों से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए, कांग्रेस का बायकॉट किया जाए। जो पार्टी ब्राह्मणों के सम्मान की बात नहीं करती, ब्राह्मणों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है, ऐसी पार्टी के साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए हमने आज तय किया है कि पूरे राजस्थान में घूम करके कांग्रेस बायकॉट का एक अभियान चालू किया जाएगा। 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ब्राह्मण समाज से अपील की जाएगी और इसके लिए बाकायदा पूरे राजस्थान भर में सर्वण महासभा की टोलियाँ गांव-गांव तहसील-तहसील स्तर पर जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक ब्राह्मण समाज की आबादी है और राजस्थान में ब्राह्मणों ने पिछले साल ब्राह्मण महासंगम के माध्यम से, ब्राह्मण पंचायत के माध्यम से, ब्राह्मण सम्मेलनों के माध्यम से अपनी ताकत भी दिखाई है। तो ये इस बात को कमजोर नहीं माना जाए कि राजस्थान के ब्राह्मणों को अपमानित करके कांग्रेस पार्टी कुछ सीट जीत पाएगी। मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गांव-गांव जाएंगे और कांग्रेस को हराने के लिए लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता, वो सनातन का सम्मान नहीं कर सकता। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि इस बार बीजेपी को जिताएंगे, कांग्रेस को हराएंगे। जिस तरीके से सुनील शर्मा जी का टिकट कटाया, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य, और उसके बाद के अंदर एक खारे में विधायक पूर्व मंत्री को कांग्रेस ने टिकट दिया मंजू शर्मा के सामने, किस तरीके से देखिए? देखिए, जयपुर शहर में लगभग 4.5 से 5 लाख ब्राह्मण समाज रहता है। किसी समाज को लोकतंत्र में आप अवॉइड नहीं कर सकते। उस समाज के व्यक्ति को आपने टिकट दिया, टिकट देने के बाद में उससे छीना झपटी करके वापस छीन लिया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि लोकसभा के उम्मीदवार को आपने इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो आके खड़ा होकर कहने लग गया कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हूँ। क्यों लड़ने को तैयार नहीं हूँ? क्योंकि उसको जलालत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस व्यक्ति को लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है।